फैमिली राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आप सब भले चंगे होंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। ब्रेकफास्ट में आलू गोभी की सब्जी और रोटी बनेगी। और यहाँ अड़हुल का फूल मैं सुखा करके रखी हूँ। और एक तरफ मैं सब्जी बना रही हूँ और यहाँ लोहे की कढ़ाई को मैं चढ़ाई हूँ और नारियल तेल इसमें डाल दे रही हूँ। और नारियल तेल में मैं क्या करूँगी कि जो अड़हुल का फूल जो रखी हूँ उसे मैं डाल दूँगी। और ये धीमी धीमी आंच पर पकते रहेगा। और इससे क्या होता है इस तेल से कि आपके जो बाल झड़ने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। इसे कुछ दिनों तक लगातार लगाने से जो बाल झड़ने की समस्या है वो समाप्त होती है। और इस तरह से देखिए पूरी अच्छी तरह से इसे धीमे आंच पर जला लेना है और छान करके एक बर्तन में रख देना है। और यहाँ देखिए तब तक मैं इतने सारे बर्तन को धो ली हूँ और यहाँ मेरा बर्तन धुल चुका है। और उसके बाद मैं नहा करके आ गई हूँ और आज मैं जा रही हूँ न्यू साड़ी पहनने के लिए। ये रेड कलर की न्यू साड़ी है तो इसे मैं निकाल ली हूँ। और इसे इसका ये ब्लाउज है और इसे मैं पहनूंगी अभी। और ये देखिए इसकी मैचिंग की चूड़ी और ये बहुत ही सुंदर चूड़ी है रेड कलर की। और ये चूड़ी मेरी मम्मी मुझे दी थी और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, साड़ी पहन ली हूँ और अब मैं अपना कुछ सामान निकाल रही हूँ और आज मैं कहीं जा रही हूँ। आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चल ही जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना पर्स निकाल ले रही हूँ और चूड़ी निकाल करके सभी को मतलब यहाँ रखी हूँ तो मैं पहन ले रही हूँ। और जाते समय तैयार हो रही हूँ तो वही मैं यहाँ चूड़ी का डब्बा निकला हुआ था बाहर में तो इसे अंदर रख दे रही हूँ। और यहाँ मेरे टीवी भी चल रहा है बगल में। तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और मैं दिखा रही हूँ कि यह साड़ी कैसी लग रही है। और जाते समय थोड़ा सा बाल और अच्छी तरह से झाड़ ले रही हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा देर में निकलूँगी। और ये देखिए साड़ी मेरी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताएं। और ये रेड कलर की साड़ी और बहुत ही हल्की साड़ी है और ये लक्ष्मीपति की साड़ी है और मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी इसलिए मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। क्योंकि कहा जाता है ना कोई अच्छा चीज़ मतलब पहनने के बाद खुशी होती है। और इस साड़ी की ब्लाउज की डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं ये इस तरह की डिज़ाइन पीछे डलवाई हूँ। और हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अभी एक बज चुका है और मैं तैयार हुई हूँ कहीं जाने के लिए। तो आगे ब्लॉग में आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज मैं न्यू साड़ी पहनी हूँ देख। और आप लोग बताइएगा कि मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। रेड कलर का साड़ी बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं जब से लाई थी तब से रखा ही था। तो मैं आज इसे पहनी हूँ और इसे पहन करके जा रही हूँ घूमने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को आगे ले चलती हूँ। और अभी एक बज चुका है, मेरा काम वगैरह सारा हो गया है और मैं काम वगैरह करके सारा निपटा करके अब मैं जा रही हूँ। और फिर मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। मेरा बाबू आ गया है स्कूल से और इसी का मैं वेट कर रही थी, ये मेरे साथ जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आते हैं और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये है रास्ते का व्यू और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जा रही हूँ तो रास्ते में थोड़ा सा क्लिप बनाई थी। पर मैं मायके में आकर के बहुत देर से बैठी, बातचीत की और दो तीन घंटा रुकी
और उसके बाद अब मेरा जाने की तैयारी हो रही है, मतलब कि अब मैं अब वापस जा रही हूँ। तो वही मैं जाते समय थोड़ा सा यहाँ का क्लिप ली हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। सभी फैमिली लोग अपने अपने तरीके से घर में रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाना। और यहाँ पर देखिए मेरी भाभी और कहाँ मेरी गए तुम भतीजी, यार? सभी दोनों जा रही है थोड़ा दूर तक साथ में। इन लोगों को कोई काम है, तो वही हम लोग साथ में निकल रहे हैं। और ये देखिए, ये मैं निकल रही थी तो थोड़ा सा ली हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं आ करके बैठी हूँ, और बैठ कर और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ बैठ गई हूँ। थोड़ी देर बैठूँगी, उसके बाद जाऊँगी साड़ी चेंज करने के लिए। और यहाँ पर मैं बैठ करके और भी बातें कर रही हूँ, यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं। फ्रेंड, मैं वहाँ से आ गई हूँ, और आने के बाद अब मुझे लगना है किचन में। अब पहले सबसे पहले मैं अपना कपड़ा चेंज कर ले रही हूँ, उसके बाद रात का अभी खाना बनाना बाकी है, और अब मैं जा रही हूँ, रात का खाना बना लेती हूँ। और अभी ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, थोड़ा सा सिंपल सा कुछ बना दूंगी। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, कहीं जाती हूँ तो वहाँ से आने के बाद कुछ काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है, और कुछ तो मतलब बनाना ही पड़ेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, जल्दी से कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, और उसके बाद लगती हूँ किचन में। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ आलू की भुजिया, और जा रही हूँ सुबह का बचा हुआ चावल जो है उसे फ्राई कर दूँगी, क्योंकि हम लोग उधर चले गए थे तो चावल बच गया है। तो चावल को मैं अभी फ्राई कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा तेल जीरा डाल देती हूँ, और थोड़ा प्याज और हरी मिर्च डाल देती हूँ, थोड़ा सा भून लेती हूँ। और उसके बाद इसमें थोड़ा दो टमाटर कट करके डाल देती हूँ। तो इस तरह से डाल करके और नमक हल्दी डाल करके और भून करके चावल डाल करके मैं भून दूंगी। तो इससे क्या होता है कि चावल टेस्टी बन जाता है, और इसे हम लोग मतलब गर्म हो जाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो चावल बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपना चावल भून ले रही हूँ, और थोड़ा सा आलू का भुजिया इसके बाद बनाऊँगी, और दो टमाटर इंडक्शन पर ही पका करके उसका चटनी बना दूंगी, तो ये खाना खा लेंगे। तो इस तरह करके रात को मैं डिनर बना ले रही हूँ। ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, और लाइट चला गया है, तो यहाँ पर मैं अपना काम कर रही हूँ। और उसके बाद जो बर्तन वगैरह रहेगा वो मैं नहीं धोऊंगी, क्योंकि कहीं जाती हूँ तो बहुत ही थक जाती हूँ, उसके बाद ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता है। तो यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ देखिए मेरा चावल भीग चुका है।